हेलो गाइज, कैसे हो आप सभी का फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। तो गाइज, आज हम घूमने के लिए आए हैं कटक का मैरिटाइम म्यूजियम, जो आप देख सकते हैं लिखा है ओडिशा स्टेट मैरिटाइम म्यूजियम। चलिए आपको दिखाते हैं पूरा अंदर का नजारा कैसा है, तो चलिए फटाफट मेरे साथ आज। तो गाइस, अभी हम आ चुके हैं मैरिटाइम म्यूजियम के अंदर, तो आपको पूरा नज़ारा दिखाएंगे, घुमाएंगे अंदर क्या क्या है। तो चलिए आते देखते हैं क्या क्या है अंदर। चलिए आया यहाँ पर देखो, टाइगर है, आपको टाइगर दिखाते हैं। गाइस देखिए, जैसे रियल टाइगर ये है, आप देख सकते हैं इधर। सर यार, जो कर रहा हूँ मजा कर रहा हूँ, ये रियल नहीं है, ये प्लास्टिक का है। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं एक लाइट हाउस है। यहाँ पर जब इधर कोई जहाज आता है, पहले जमाने में जब जहाज यहाँ आया करता था, तो आप देख सकते हैं इसी लाइट हाउस की मदद से जहाज आकर यहीं पर पहुंचता था, क्योंकि पहले टाइम पे ये एक बंदरगाह था। तो यहां पर भी आप देख सकते हैं बड़ा बड़ा दो तोप रखा हुआ है, आपको जाके नजदीक पूरा तोप दिखाएंगे। और यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर एक बोट है, उस तरफ लगता है बोट पे कोई काम चल रहा है, इसीलिए वहां जाना मना है। आप देख रहे हो बड़ा सा तोप है। तो आज मैं आपको बताऊंगा इसका सिस्टम कैसे काम करता है ये तोप। पहले ज़माने में जब इसको चलाया करते थे राजा महाराजा, तो कैसे इसको काम करता है, ये कैसे काम करता है, चलिए आपको दिखाते हैं। सो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो बड़ा सा तोप रखा हुआ है, ये तोप पूरा लोहे का ही बना है और वजन इसका लगभग 1 से 2 टन होता है। तो गाइस चलिए पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि ये स्टोव कैसे काम करता है, हाउ डज इट वर्क्स। लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। पहले इसके अंदर बारूद डाल देते हैं, फिर क्या करते हैं, फिर देखिए इस स्टोव का जो ये हिस्सा है, यहाँ पर एक छेद होता है। इस छेद को तो अभी बंद कर दिया गया, यहाँ पर एक छेद होता है। तो क्या करते हैं, तो ये कैसे काम करते हैं आपको बताता हूँ अच्छी तरह से। तो इसके अंदर बारूद भर देते हैं और इसके ऊपर एक लोहा होता है जिसको कहते हैं कैनन बल, तो कैनन बल इसके अंदर डाल देते हैं। फिर क्या करते हैं, यहाँ जो है ना, फिर यहाँ एक फ्यूज डाल देते हैं और इस फ्यूज के जरिए इसको लाइटिंग देते हैं, मतलब इसमें आग लगाते हैं। जब ये फ्यूज आग जल के अंदर जाता है, तो जो बारूद अंदर का जो बारूद है वो ब्लास्ट होता है, फिर आगे जो कैनन बल है ना वो सीधा निकलता है टारगेट की तरफ। इसी तरह आवाज होता है, फिर से सुनिए। तो मेरा एक पिछला वीडियो है कैनन के ऊपर, आप जाके उस वीडियो को जरूर देखना। अगर इस वीडियो में 1 मिलियन व्यूज यानी कि 10 लाख व्यूज और 1000 लाइक आ जाएगा, तो हम इस कैनन को चला के दिखाएंगे। तो फटाफट से वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। तो आप देख सकते हैं चारों तरफ का नज़ारा। यहाँ पर देखिए एक पुराना मिल भी है इस तरफ, तो आप देख सकते हैं इस तरफ, यहाँ पर पुराना ज़माने का काम होता है इस तरफ। और यहाँ पर तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक पार्क है, और तो इसके अंदर एक बड़ा सा देखिए पेड़ पौधा है, बड़ा सा एक बरगद का पेड़ है इस तरफ, और यहाँ पर मधुमक्खी का छत्ता भी है, आप देख सकते हैं ऊपर मधुमक्खी का छत्ता भी है, ये आप देख सकते हैं।
लेकिन भाई साहब इस तोप को तो आप देख सकते हैं, ये बहुत ही मज़ा आ रहा है इस तोप को देखने पर। हम तो एक्सपेरिमेंट वाले हैं, इस तोप के साथ एक्सपेरिमेंट करने का बहुत ही मन करता है। यहाँ पर इस तोप का जो कैनन का ना दो पहिया यहाँ पर रहता है, इधर एक पहिया और इस तरफ एक पहिया, दो पहिया है इसका, ताकि इसको कहीं भी आप ले जा सकते हैं फायर करने के लिए। यहाँ पर आप देखिए एक मोर का बहुत ही सुंदर स्ट्रक्चर बनाया गया है, आप देख सकते हैं इधर। गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं पौधे का इंसान बनाया गया है, इधर ये एक पौधे का इंसान है, इसको बड़ी बारीकी से बनाया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं छोटा सा घर है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स ओरिसा स्टेट मैरिटाइम म्यूजियम, देखिए अच्छी तरह से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर सा पेड़ लगा हुआ है, ये देखिए कांटे का एक पेड़ है, कैक्टस जिसको कहते हैं, आप देख सकते हैं। मतलब यहाँ का वातावरण तो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही मज़ा आ रहा है दोस्तों। अगर आप उड़ीसा में घूमने के लिए आते हो तो ये जगह कभी भी मिस मत करना, इस जगह पर ज़रूर आप घूमने के लिए आना। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं 90 दशक का ट्रक खड़ी है, ओल्ड मॉडल ट्रक। तो चलिए थोड़ा फ्रेश हो जाते हैं, मैं थोड़ा मुंह धो लेता हूँ। फ्रेश हो गया मन। चलिए आगे आपको दिखाते हैं क्या क्या है। तो गाइज ये नज़ारा जैसे देख लग रहा है पुराना गुफा है, तो चलिए अंदर चलते हैं देखते हैं क्या है। तो ये देखो ऊपर जाने का रास्ता, तो गाइज ऊपर दिखाओ, बस देखिए ऊपर जाने का ये रास्ता, थोड़ा नजदीक आ जाओ। गाइस आपको दिखाता हूँ अंदर, देखो जैसा गुफा जैसा कैमरा, तो मैं आपको अंदर का नजारा दिखाता हूँ। गाइस देख सकते हैं, बाप रे बाप कितना बड़ा गुफा है दोस्तों। देखिए इसके अंदर रास्ता है अंदर जाने का, तो चलिए बाहर चलते हैं। तो गाइस देखिए ये ऊपर जाने का रास्ता, वहाँ पर सीधा। सो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं पुराने जमाने का राजा महाराजाओं का घर ऐसा हुआ करता था उड़ीसा में। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं
पुराना खंडर, इसको कहते हैं पुराना किला भी। सो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़ा बड़ा जहाज, बड़ा बड़ा तोप यहीं पर बनाया जाता था उस टाइम। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़ा सा क्रेन रखा गया है जो कि उस टाइम भारी वजन को लेके जाता था। तो चलिए यहाँ थोड़ा बैठ जाते हैं, थोड़ा रेस्ट लेते हैं। हमारा जितना टीम है, हमारा टीम इधर बैठ के सब बात कर रहे हैं, तो चलिए इधर बैठते हैं, थोड़ा रेस्ट लेते हैं। तो गाइज अभी हम मैरीटाइम म्यूजियम घूम के आ चुके हैं। तो अगर मैरीटाइम म्यूजियम आपको अच्छा लगा तो कमेंट में जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।